Good morning all of you. Today we are going to see the important point revision of how do organisms reproduce. Starting from reproduction. What is the definition of reproduction? The process by which the organism produces the offspring. ऐसा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म जो भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उससे ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? रिप्रोडक्शन की वजह से तो भी स्पीशीज कंटिन्यू होता है। अगर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गया तो उस स्पीशीज का कंटिन्यूएशन जनरेशन टू जनरेशन स्टॉप हो जाएगा जैसे कि डायनासोर। एट द सेम वे रिप्रोडक्शन द सिग्निफिकेंस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। अभी देखते हैं डीएनए एंड जीन। व्हाट आर द डीएनए एंड जीन? ये डीएनए एंड जीन आर द इंफॉर्मेशन कैरियर। डीएनए एंड जीन प्रोड्यूसेस द प्रोटीन्स एंड दैट प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम प्रोडक्शन एंड दैट एंजाइम्स आर इसेंशियल इन द हार्मोन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स important for different characters in the body. So this is also important how the DNA copying or how the character generates in the genetics. Next, sexual reproduction. क्या है sexual reproduction का significance? Sexual reproduction में जो recombination होता है DNA erroring होता है इससे variation create होता है। सभी individuals सरीके नहीं होते। So this is the significance of sexual reproduction that whatever the variation प्रोडक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लीजिए, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हाई टेंपरेचर पे सर्वाइव होते हैं कुछ लो टेंपरेचर पे, तो इससे क्या होता है कि उनका सर्वाइवल वैल्यू बढ़ता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन क्रिएट्स इन दैट। अब हम देखते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन कौन से एनिमल्स में होता है? अमीबा। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन जो है एनी प्लेन से हो सकता है, लेकिन अमीबा के साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा है बाइनरी फ्यूजन का बताइए? लेजमानिया। लेकिन लेजमानिया हम देखते हैं जो फ्यूजन होता है पर्टिकुलर प्लेन से होता है, एक ही प्लेन से, लेकिन अमीबा में एनी प्लेन। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं कि अमीबा और लेजमानिया में क्या फर्क है बाइनरी फ्यूजन में? बोथ आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लेकिन फर्क है ना, अमीबा कैन डिवाइड इन एनी प्लेन लेकिन लेजमानिया डिवाइड्स ओनली वन प्लेन। अभी मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल आपको मालूम है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया क्रिएट करता है। तो प्लाज्मोडियम जब फुल्ली ग्रोथ होता है और ब्रेक होता है तो उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं उससे नए प्लाज्मोडियम बनते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्यूजन, दैट इज द प्लाज्मोडियम। आफ्टर दैट फ्रेगमेंटेशन, आपको मालूम है फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगैरा में। स्पायरोगैरा इज द रिबन लाइक एनिमल। इस रिबन लाइक एनिमल के छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं, पीसेस होते हैं, पीसेस पे कन्वर्शन होता है, हर पीस से नया स्पायरोगैरा बनता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। आफ्टर दैट रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी प्लानेरिया जब ग्रोथ होता है उसका तो दो पार्ट में डिवाइड होता है और ईच पार्ट से नया प्लानेरिया बनता है, जो भी कट पार्ट है उसका रीग्रोथ होता है और एक प्लानेरिया को टूटने के बाद दो नए प्लानेरिया बनते हैं, इसी को रीजनरेशन कहते हैं। प्लानेरिया, प्लानेरिया इज नॉट द सिंगल एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, हाइड्रा इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। आफ्टर दैट बडी। बडी मींस छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म होता है, जैसे कि हाइड्रा है हाइड्रा के बॉडी पे और वो कट होके इंडिविजुअल हाइड्रा का डेवलपमेंट होता है। ईस्ट भी एग्जांपल है बडी का। ईस्ट में भी आउटग्रोथ प्रोड्यूस होता है, चेन प्रोड्यूस होता है और काफी सारे यीस्ट डेवलप होते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? कौन सा पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का? दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें वेजिटेटिव पार्ट रहते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ। रूट एग्जांपल आपको मालूम है कैरोट, स्टेम से शुगर केन बनता है और लीफ ब्रायोफाइल। इसके भी काफी सारे एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, जैसे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड से मैंगो बनाते हैं, कटिंग मेथड से रोज, लेयरिंग मेथड से जस्मीन, ये अलग अलग मेथड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। इसके एडवांटेजेस कुछ है, हम सीड शो करना, उससे प्लांट ग्रो होना, काफी सारा
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो वेजिटेटिव पार्ट यूज करते हैं ऑलरेडी उसका ग्रोथ भी वाला रहता है, इसलिए जो प्लांट का जल्दी ग्रोथ होता है, जल्दी प्रोडक्शन होता है। और इसका एडवांटेज और ये चीप मेथड है, इजीली वी कैन अप्लाई इन द एग्रीकल्चर एंड वी कैन प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स। डिसएडवांटेज भी इसका, अगर पेरेंट्स में कोई डिसीज है तो वो ऑफस्प्रिंग में पास हो सकता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। राइजोपस जैसे ब्रेड पे वगैरह फॉर्म होता है, इसमें स्पोरेंजियम पार्ट रहता है बॉल लाइक, उसमें स्पोर्स रहते हैं, ये पार्ट कट होता है और उससे स्पोर रिलीज होते हैं और इस स्पोर से फिर नया राइजोपस बनता है। इस प्रकार राइजोपस का रिप्रोडक्शन होता है स्पोर से। हम देखते हैं अभी स्टेमन और पिस्टिल में क्या फर्क है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें क्या आता है एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें क्या आता है पिस्टिल में स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल का दूसरा नाम कार्पेल भी है, तो ये डिफरेंस पूछते हैं स्टेमन एंड पिस्टिल में क्या फर्क है। उसके बाद में यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी जिसमें एक ही सेक्स होता है, जैसे कि वाटरमेलन पपाया, नॉट बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। और बायसेक्सुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको कहते हैं हम बायसेक्सुअल। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के भी टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं सेम प्लांट पे, तो क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट पे ट्रांसफर होते हैं। तो उसके एजेंट्स भी है पॉलिनेशन के, जैसे वाटर है, एयर है, इंसेक्ट्स है, दीज आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आफ्टर दैट हम देखते हैं सीड, जब हम सो करते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट कौन से रहते हैं सीड के। सीड के जो दो पार्ट रहते हैं ना उसको कॉटिलेडन कहते हैं, उसमें फूड स्टोर होता है। और सीड जब सो होता है तो जो जमीन के अंदर जो पार्ट छोटा सा तैयार होता है रेडिकल, उससे रूट बनता है, और अपर पार्ट ल्यूबियल, उससे क्या बनता है शूट डेवलपमेंट होता है, यानी स्टेम का पार्ट लीव्स वगैरह ब्रांचेस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग में स्पेसिफिक ध्यान में रखना, एग्जाम के लिए टेस्टिस का फंक्शन और ओवरीज का फंक्शन। टेस्टिस का फंक्शन क्या है, क्या प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट स्पर्म, और हार्मोन कौन सा टेस्टोस्टेरोन। तो ओवरी कौन सा फीमेल गैमेट तैयार करते हैं एग्स, उसको ओवा भी कहते हैं, और हार्मोन कौन सा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, टू हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरी। अभी प्लेसेंटा, इसका डेफिनेशन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, मदर की बॉडी से जो भी ऑक्सीजन है फूड है ये पास होते हैं फीटस में एम्ब्रियो में प्लेसेंटा के जरिए, और प्लेसेंटा के बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो मदर के बॉडी में आते हैं, किसके जरिए प्लेसेंटा के जरिए। अब हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग में जब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होता है, जायगोट बनता है, यूटेरस में वो चला जाता है, यूटेरस में वो उसका इम्प्लांटेशन होता है, ग्रोथ होता है, इसलिए यूटेरस का जो थिकनेस रहता है वो एज इट इज रहता है एम्ब्रियो को ग्रोथ होने के लिए। और अगर नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर यूटेरस जो बना हुआ रहता है वो झड़ जाता है, उसका थिकनेस कम हो जाता है, और उसके साथ एग्स क्या हो जाता है गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू विच प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन। बैक्टीरिया एंड वायरल एचपीवी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पे स्पेसिफिक पूछ सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन से और वायरल डिजीज कौन से। वायरल डिजीज एचआईवी है, वायरल पार्ट्स तो बैक्टीरियल गोनोरिया है, सिफिलिस। उसके बाद में कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन किसे कहते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं जिससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है, यानी फैमिली प्लानिंग मेथड्स है, उसको क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो इसमें जो चार अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड,
Mechanically, condoms is used in males and hemidome condom that is used in females. This is the mechanical method of contraception. Chemical method में oral pills है, जैसे saline वगैरह. तो इसमें पूछ सकते हैं कि oral pills किस प्रकार से pregnancy avoid करते हैं? तो oral pills से female body का hormonal balance change होता है और eggs production stop हो जाता है कुछ समय के लिए tablet के समय. इससे क्या होता है? Pregnancy period होता है. सर्जिकल मेथड में सर्जिकल ऑपरेशंस है, जैसे वैसेक्टॉमी में वासा डिफरेंशियाना कट करते हैं, इसलिए स्पर्म पास नहीं होता फीमेल बॉडी में, और ट्यूबेक्टॉमी में फालोपियन ट्यूब कट करते हैं, इसलिए फालोपियन ट्यूब में जो एग्स आता है तो उसके साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है क्या? नहीं. और लास्ट में देखिए आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, दीज आर द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू पुट इन द यूटेरस. तो इससे क्या होता है? स्पर्म का एंट्री प्रिवेंट होता है. किसमें? हाँ, इन द यूटेरस और इन द फैलोपियन ट्यूब. तो इसमें कॉपर की है, लूप है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आईयूडीज. इस प्रकार हमने हाउ टू ऑर्गेनाइज द रिप्रोडक्शन, वी हैव सीन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्पेशली रिगार्डिंग द एग्जाम. रिप्रोडक्शन क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स देखे हमने, उसके एग्जाम्पल्स, उसके बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टेबल स्टील का डिफरेंस देखा है हमने, पॉलिनेशन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, हार्मोन्स कौन से हैं क्या, और प्लेसेंटा का फंक्शंस, और जो एसटीडीज है और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है. दीज आर आल्सो वी हैव सीन इन दिस टॉपिक. वी हैव रिवाइज ऑल दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. थैंक्स.